मैं बोल हो रही हूँ। ओह तारा बोल हो रही है। तो ठीक है तारा, चलो एक क्विज खेलते हैं। क्विज? हाँ, मैंने तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में बताया था ना। देखे तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे सब याद है अप्पा, आपने मुझे बताया तो है। ठीक है, तो हो जाए कोरोना क्विज। हो जाए। तो बताओ कोरोना क्या है? कोरोना इजी, कोरोना एक तरह का विषाणु है, वायरस, जिसके कारण इंसान बीमार हो सकते हैं, उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और वो मर भी सकते हैं। ये बताओ कि कोरोना कैसे फैलता है? अगर किसी को कोरोना है तो उसके खांसते या छींकते वक्त उसके मुंह और नाक से जो बूंदे निकलती है ना, उससे ये रोग फैलता है। बिल्कुल सही तारा। और इस वायरस का नाम कोरोना क्यों है? आपने बताया था। याद आ गया, कोरोना शब्द का मतलब है क्राउन यानी मुकुट, क्योंकि इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द ऐसे उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये मुकुट या क्राउन जैसा लगता है, इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया। और कितने दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं? तो उसे 14 दिनों में। करेक्ट, बिल्कुल सही। और इस बीमारी के लक्षण है क्या क्या तारा? अप्पा, ये वायरस किसी के अंदर जाए तो बुखार, खांसी, गले में खलाश और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वाह, इसे तो सब कुछ याद है। बहुत अच्छे तारा, बहुत अच्छे। थैंक्स अप्पा। पर अब देखते हैं कि कोरोना क्विज में कितने नंबर लाते हैं। ओके, ठीक है, पूछो। तो बताइए कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसको किसको है? जो ऐसी जगह की यात्रा करके आए हैं जहां ये वायरस फैला है, कोरोना से बीमार लोगों के संपर्क में आए लोग, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग जो पहले से बीमार हैं। अच्छा अब्बा, इससे ठीक तो हो सकते हैं ना? देखो तारा, वैसे तो इसके 80% मामले घर में देखभाल से ही ठीक हो जाते हैं, पर यह बात याद रखना कि इसकी कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए इससे बच के रहना है। ठीक है? हाँ, मुझे पता है इससे कैसे बचेंगे। तारा, तुम्हें सब कुछ पता है, बोलो कैसे। हाथों को बार बार साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना। तारा, अभी मुंह नाक और आंखें छूने से हमें बचना चाहिए। ये लो। थैंक यू अप्पा। कोरोना से बचने के लिए खांसते छींकते समय रुमाल, टिश्यू या कोहनी से मुंह को ढको तारा। ठीक है? खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो पहले स्वास्थ्य केंद्र की हेल्पलाइन पर संपर्क करना है और उनकी सलाह के अनुसार डॉक्टर को दिखाना है ना? हाँ, और ये सब खत्म होने तक घर पर ही रहना है, सबसे अलग। तो इसी बात पर मिलाइए आप। तारा, ये क्या कह रही हो? कोरोना से बचने के लिए किसी से भी हाथ नहीं मिलाना, सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो। नमस्ते, ऐसे सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो और 1 मीटर की दूरी से बात करनी है। ठीक है? बताओ इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों से सुरक्षित दूरी। सही बात बताने के लिए थैंक यू अप्पा। हाँ तारा, गलत बातों और अफवाहों पर ध्यान मत दो, नहीं तो कोरोना से बच नहीं पाएंगे हम तारा। तो आपको भी अब कोरोना के बारे में सब सही बातें पता है ना? हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हम ख्याल रखते हैं।